रूस यूक्रेन युद्ध में अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी शहर में रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर हमले के खतरे को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें यूक्रेन के ही क्रेमलिनस्काई में ड्रोन हमले के बाद रेडिएशन का डर बढ़ चुका है और रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर एक बार फिर से अटैक किया है। हालांकि भीषण विस्फोट के बाद ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही है और भीषण विस्फोट के बाद आसमान तक ये काले धुएं का गुबार जिस तरीके से देखा गया है, ये साफ है कि रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी पता लग पाया है कि चैलेंजर टैंक के रेडियो एक्टिव शेल में विस्फोट किया गया है, जिसको लेकर ये बड़ा दावा भी किया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल पर पूरा मामला आपके सामने, क्योंकि इस हमले के तहत क्यों न्यूक्लियर खतरा बढ़ता जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये वो खास तौर पर लोकेशन है क्रेमलिनस्काई, जहां पर बड़ा वार किया गया है चैलेंजर 2 टैंक में लगने वाले रेडियो एक्टिव शेल के जरिए। जिस तरीके से यह अटैक हुआ है उसके तहत यह माना जा रहा है कि धमाके के बाद रेडियो एक्टिव शेल में यह भीषण विस्फोट जो हुआ है, खतरा रेडिएशन का बढ़ गया है। इलाके में अचानक गामा रेंज की रेडिएशन बढ़ चुकी है और यही वजह है कि इलाके को खाली कराने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि इलाके में रेडिएशन से नुकसान का अब जायजा लिया जा रहा है। बकायदा आधिकारिक बयान भी इसको लेकर सामने आया है और इस बीच गामा रेडिएशन को लेकर जिस तरीके से एक मैप जारी किया गया है, वही डेली एवरेज गामा डोज रेट, ये पूरा एक रेडिएशन का मैप है जिसमें 12 तारीख देखिए किस तरीके से अभी तक 15 अप्रैल से एक न्यूट्रल मैप नजर आ रहा था, लेकिन 9 मई के बाद 12 मई तक ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया है। रेडिएशन से हो रहे खतरे की बात आपने सुनी, लेकिन ये खतरा कैसे और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शरीर पर अब चकते उभर सकते हैं, सिर चकरा सकता है। लगातार रेडिएशन जोन में रहने से लोगों की जान पर बनाती है और यही वजह है कि अब पूरे इलाके को खाली कराने के भी आदेश दिए जा रहे हैं और साथ ही ये भी जायजा लिया जा रहा है कि इस रेडिएशन की वजह से कौन कौन से इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, किस तरीके से ये खतरा अब और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर अब इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा या रेडिएशन का खतरा इलाके में बढ़ता रहेगा तो कौन कौन से मुख्य तौर पर इलाके अभी लग रहा है इसकी चपेट में आ चुके हैं? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस समय हमला हुआ और जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, मुझे लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद इतनी भयानक तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी थी। हुआ यह कि रोमानिया से 120 किलोमीटर दूर इस शहर में एक बड़ा सा हथियार भंडार था। रूस को इसकी सूचना मिली, रूस ने पिन पॉइंट वहीं पर टारगेट किया और उसके बाद जो तबाही के दृश्य पूरी दुनिया ने देखे, क्योंकि वहां पर नाटो देशों से भेजे गए वो तमाम हथियार थे, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से जो घटिया यूरेनियम वाले गोले भेजे गए थे वो सब रखे हुए थे। तो इसलिए जब उस जगह को टारगेट किया गया और वहाँ से जो विस्फोट हुआ, तो उसकी वजह से उस पूरे इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। अब यूक्रेन या नाटो इसका जिम्मेदार रूस को नहीं कह सकता है, क्योंकि ये हथियार उनके थे, ये हथियार उनके द्वारा भेजे गए थे। रूस ने एक नई चाल ये चली कि ये इलाका अभी जहां युद्ध हो रहा है वहां से कई सौ किलोमीटर दूर है, तो रूस ने यह तय किया कि जहां पर हथियार के भंडार रहेंगे, जहां से हथियार आएंगे, कमी है, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेट जिस तरीके से मिल रहे थे, क्या अब जो निर्देश स्टैंडबाय मोड पर थे उन्हें पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है पुतिन की तरफ से और ये उसी का नतीजा है? देखिए, ये बात तो सच है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जितने भी रूस के एयरबेस हैं वहाँ पर इस वक्त रूस के बमबर्षक विमान न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात हैं, यानी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो तबाही हुई है ये यूक्रेन के अपने हथियारों से हुई है, यानी एक तरह का आत्मघाती गोल। उनके हथियार थे, वहाँ विस्फोट हुए, चारों तरफ रेडिएशन फैल गया। जी शुक्रिया, जल्द आपके पास लौटेंगे और अपडेट और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। मनीष।